नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और असम को कौन सा तोहफा दिया, हुगली में टीएमसी पर प्रधानमंत्री ने कैसे किया प्रहार और पूर्वोत्तर की अनदेखी का किस पर है आरोप, इन सभी खबरों के साथ तमाम अहम खबरों को देखते हैं टॉप 9 मिशन पर मोदी में। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने दुर्गा पूजा को रोका। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अपमान करने वालों को माफ मत करना। वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। हुगली रैली में पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतेगी तो बंगाल टोला मुक्त होगा और हर युवा रोजगार युक्त होगा। पीएम मोदी ने कटमनी के कारण माहौल खराब होने का भी आरोप लगाया। ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। आज हुगली रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। नोआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच मेट्रो सर्विस और कलाईकुंडा झाड़ग्राम के बीच 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने एक बार फिर बंगाल के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर मेट्रो की शुरुआत से कोलकाता वासी काफी खुश हैं। कामकाजी लोगों के लिए खासी सहूलियत है क्योंकि ऑफिस टाइम में इस लाइन पर 6 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक तौर पर ये सबसे बहुत ही बढ़िया काम ये हुआ है। दोनों काली मंदिर एक साथ जुड़ी है। केंद्र सरकार से नाराज चल रही सीएम ममता बनर्जी ने आज हुगली में पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत नहीं की। पीएम के कार्यक्रमों के लिए सीएम ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल के मुताबिक निमंत्रण भेजा गया था। मिशन असम पर धेमाजी के सिलापाथर पहुंचे पीएम मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश को समर्पित की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट देश का नया ग्रोथ इंजन बनेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। असम को धेमाजी इंजीनियरिंग और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात देने वाले पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। रक्षा बजट पर वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है और आज भारत 40 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। पीएम ने कहा कि शांतिकाल में बहाया पसीना युद्ध में रक्त बहने से बचाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।